हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के भीतर फंक्शंस के बारे में पढ़ाएंगे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शंस किसे कहते हैं। सो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक फंक्शन राइट किया गया है सम, इसके बाद एवीएस, एवरेज, काउंट और प्रोडक्ट। हम इसे फंक्शंस क्यों कहते हैं थोड़ा इसके बारे में सुनो। सपोज करो कि मैं कोई यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, जैसे कि राम। राम लिखने से फंक्शंस नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आपको इसको फंक्शंस बनाना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे ए पैरेंथिसिस का ये जो चिन्ह है ओपन और क्लोज, इसको यूज करना पड़ेगा। तब ये माना जाएगा कि राम क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पे लिखता ए और ब्रैकेट को चालू कर देता और इस तरीके से लिखता, तो ये भी क्या माना जाता है, ए फंक्शन है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। आपको ये बता दें, हम आपको यहाँ पे ये जो सम है, एवीएस है, एवरेज है, काउंट और प्रोडक्ट, ये सब लिब्रे ऑफिस कैल्क के भीतर फंक्शन के रूप में कार्य करते हैं। ये राम और ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने आपको अपने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया था। ध्यान से देखो, ये प्री डिफाइन होते हैं। ये कंप्यूटर में जो यहाँ पे आपको जो मैंने फंक्शंस लिख के दिखाया है, सम, एबीएस, ये प्री डिफाइन है, ठीक है। और ये जो मैंने है, मैंने अभी भी डिफाइन किया है, ठीक है। तो वास्तविक रूप से ये फंक्शन है नहीं, मैंने आपको बताने के लिए, फंक्शन को समझाने के लिए इनका प्रयोग किया था यहाँ पे कि राम फंक्शन है और ए फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन की पहचान क्या होती है, इस यहाँ पे कोई टेक्स्ट राइट किया गया होगा, इसके बाद पैरेंथेसिस चालू और यहाँ पे बंद होगा। जैसे यहाँ पे ए राइट किया गया है, ये पैरेंथेसिस चालू है और ये क्या है, बंद है। कैसे ये काम करते हैं, आइए एक एक के बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं इनको क्या किया, यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं सबसे पहला फंक्शन आपको सम फंक्शंस के बारे में पढ़ाता हूँ। सम फंक्शन आपको कैसे यहाँ पे वर्क करेगा। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर को राइट कर दिया है, ये देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ नंबरों को राइट कर रखा है। अब मुझे इन सभी को क्या करना है, जोड़ना है। तो सम फंक्शन का प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हो। इक्वल टू लिखोगे सम का, यहाँ पे सम यहाँ पे फंक्शन को कॉल्ड करोगे। और ध्यान से देखो, इन सभी को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, इनका एड्रेस आ जाएगा I5 से लेके I9 तक। इसके बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही एंटर दबाओगे तो ध्यान से देखो, इन सभी का जोड़ आपको यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया। किसके माध्यम से, सम फंक्शन के माध्यम से। तो सम के माध्यम से आप माइनस भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो, ठीक है। और गुणा का भी आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही देखो, यहाँ पे दिया है एबीएस। तो एबीएस में सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक नंबर डाल दिया है, जो नंबर है मैंने 12 यहाँ पे राइट कर रखा है, ठीक है। मैं इक्वल साइन को दूंगा, यहाँ पे एबीएस को राइट करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे 12 लिख के, यानी 12 ए सेल का एड्रेस आके H8 माइनस कर दिया मैंने यहाँ से। और मैं जस्ट इस पर क्लिक करके यहाँ से ब्रैकेट को बंद करके इंटर मार देता हूँ। आप ध्यान से देखो, एबीएस ने क्या किया, यहाँ पे क्या उत्तर बताया, प्लस में बता दिया, ठीक है। देख रहे हो कि नहीं, आपका यहाँ पे 12 बता रहा है। अगर मैं इसी को सम फंक्शन में यूज करूँगा तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं लिखूँगा इक्वल टू यहाँ पे सम इस तरीके से, और ब्रैकेट को चालू करके मैं 12 माइनस यहाँ पे कर देता हूँ 24। तो आप देखोगे कि रिजल्ट -12 आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। देखो तो -12 आया कि नहीं, सेम यहाँ पे मैंने क्या किया है, सूत्र को यूज कर रखा है। सम क्या करता है, जो हम जैसे काम करते हैं वैसे काम करता है, और एबीएस ठीक इसका क्या करता है, सम का उल्टा कर रहा है। इसीलिए तो इसने 12 उत्तर दिया और यहाँ पे -12 उत्तर आ चुका है। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है सारी संख्याओं का जोड़, ठीक है, और उतने से उसमें क्या भाग। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे कोई नंबर डाल दिया है, ये देखो मैंने यहाँ पे 3 पुट किया है, यहाँ पे 6 पुट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने 9 पुट कर दिया है। ये देखो मैं इतना ही यहाँ पे क्या करता हूँ, ले लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिएगा, इन तीनों का मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो कितना एवरेज होगा, इक्वल साइन देंगे आप यहाँ पे, और क्या लिखोगे, एवरेज ऐसे राइट कर दीजिएगा, ब्रैकेट को चालू करके इनको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और इसके बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर मार दीजिएगा।
ठीक है, तो आपको एवरेज कितना मिल गया? 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 और 3 9 और 9 9 18 कितनी संख्या है? 1 2 3। तो 18 में 3 से भाग दे दिया जाएगा तो क्या उत्तर आ जाएगा? 6 ही आएगा ना। सो इसका एवरेज ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो काउंट। काउंट का काम होता है काउंट करना। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर राइट कर रखा है, यहाँ से यहाँ तक मुझे काउंट प्रॉम का फार्मूला यूज करना है। इक्वल टू मैं काउंट लिखूँगा, ब्रैकेट को चालू करके इन पूरी संख्या को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब बताओ कितना उत्तर आएगा। मैं एंटर मारता हूँ, आंसर कितना बताया? 3। काउंट फार्मूला किसको काउंट करेगा? केवल नंबर को। तो उसने 3 को, 6 को और 9 को काउंट किया, ए और एस को काउंट नहीं किया। ठीक है, सो सम भी क्लियर है, ए बी एस भी क्लियर है, एवरेज भी हो गया और काउंट भी हो गया। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन से होता है। सो इक्वल साइन लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा प्रोडक्ट, ऐसे ब्रैकेट को चालू कर लूँगा। ठीक है, और पहला नंबर यहाँ पे, इसके बाद कॉमा देना है आपको, देन दूसरा नंबर क्या करना है यहाँ पे लिखना है ऐसे, देन कॉमा देना है और थर्ड नंबर यहाँ से। ठीक है, ब्रैकेट को बंद करके जस्ट एंटर मार दीजिएगा। अब ध्यान से देखो 162 इसका आंसर आपको मिल चुका है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को फंक्शन समझ में आ चुका होगा कि फंक्शन यहाँ पे कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये आपका फंक्शन है जो आपके सामने यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ओके स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।